मैं यादरा मेरानिया, वेदांता पीजी कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड सेमेस्टर थर्ड सब्जेक्ट जूलॉजी वाला पेपर पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का, सेल है। देखो, सेल का इंट्रोडक्शन साइटोलॉजी, साइटोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है, एक तो साइटो और एक लॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। यानी स्टडी ऑफ सेल नॉन एज साइटोलॉजी। अब आता है कि कोशिका की डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका की खोज की। इसने जो कोशिका की जो खोज की थी वो नॉन लिविंग सेल्स थी, वो नॉन लिविंग सेल थी। इन्होंने एक कोर्क लिया था, पहले जो बोतल वगैरह हुआ करती थी उनके जो ढक्कन होते थे वो कोर्क के हुआ करते थे, कोर्क वुड यानी लकड़ी की हुआ करती थी। उन्होंने एक कोर्क लेकर के उस कोर्क का टीएस काटा था, एक सेक्शन काट करके उन्होंने स्वयं निर्मित माइक्रोस्कोप, उन्होंने स्वयं की निर्मित माइक्रोस्कोप थी, इसमें उसको जब देखा तो उसने कोशिका एक ऐसी संरचना दिखाई दी देखो बच्चों ऐसी दिखाई दी हनीकॉम की तरह। ये जो होलो कैविटी है, ये जो होलो कैविटी है, उन्होंने रॉबर्ट हुक ने सेलुला एंड सेलुला नाम दिया। इनका नाम था सेलुला एंड सेलुला। बाद में इन्हीं को सेल कहा। अब देखो एक्चुअल में ये सेल नहीं थी, ये सेल वॉल ही थी, इसलिए सेल वॉल की जो क्रेडिट है वो भी रॉबर्ट हुक को ही जाती है। यदि हम कहें कि डिस्कवरी ऑफ द सेल वॉल, डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल, तो उसका क्रेडिट भी रॉबर्ट हुक को ही जाता है क्योंकि रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की। अब देखो इन्होंने प्लांट लिया था, प्लांट का ही था वो कॉर्क, इसलिए पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अब देखो उन्होंने एक पुस्तक लिखी माइक्रोग्राफिया, रॉबर्ट हुक ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया।
काफी बार बच्चों ये एग्जाम में आते हैं कि माइक्रोग्राफिया का ऑथर कौन था, ये पूछते हैं, ऑथर पूछते हैं। तो इसके अंदर जो ऑथर है ना वो कौन था, रॉबर्ट हुकी था। अब देखो ये ऐसी जो पिक दिखाई दी, ये जो संरचना दिखाई दी, ये संरचनाएं है ना हनी कॉम लाइक थी। कैसी थी ये हनी कॉम लाइक, यानी मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना उसकी तरीके से ये संरचना थी। इन संरचनाओं को यानी इन पिक को यानी इन तस्वीरों को माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में पब्लिश की इन्होंने, यानी पब्लिश की। यानी इसमें प्रकाशित की माइक्रोग्राफिया पुस्तक के अंदर इन जो पिक बनी थी इन्होंने इसमें क्या किया, इसको प्रकाशित किया। अब देखो ये जो माइक्रोस्कोप में जो स्टडी की ये उसके सेल्फ निर्मित माइक्रोस्कोप थी, इन्होंने खुद ने बनाई हुई माइक्रोस्कोप थी। अब इसके बाद में आता है कि इसने जब नॉन लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की तो लिविंग सेल की थी, अब आता है लिविंग सेल्स की डिस्कवरी। डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। अब देखो जीवित कोशिका की जो खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम है एंटोन वॉन लीवेनहॉफ। एंटोन लीवेनहॉफ ने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की। ये बच्चों काफी बार ये एग्जाम में पूछते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये एंटोन लीवेनहॉफ ही आएगा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब आता है फादर ऑफ सेल, फादर ऑफ सेल। फादर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक को क्रेडिट जाता है क्योंकि सबसे पहले कोशिका की डिस्कवरी करने वाला भी यही था, इसलिए फादर ऑफ सेल के नाम से जो पर्सन आएगा उसमें जो राइट क्वेश्चन होगा जो रॉबर्ट हुक का ही होगा। लेकिन एंटोन लीवेनहॉफ ने लिविंग सेल्स की जो डिस्कवरी की थी वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी था। इसी तरीके से ये भी आता है फादर ऑफ मॉडर्न सेल। अब मैं देखो फादर ऑफ मॉडर्न सेल इसमें जो वैज्ञानिक आएगा उसका नाम है कार्ल पी, कार्ल पी स्वानसन। अब कभी है ना ये भी एग्जाम में काफी बार आया है कि फादर ऑफ इंडियन सेल, फादर ऑफ इंडियन सेल या इंडियन साइटोलॉजी, इंडियन सेल। अब देखो ये जो सेल है ना यहां पर बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि फादर ऑफ द साइटोलॉजी, तो हम बताएंगे रॉबर्ट हुक को। यदि एग्जाम ही आता है फादर ऑफ द मॉडर्न सेल, देखो इन सेल को आप है ना साइटोलॉजी पढ़ेंगे, साइटोलॉजी, तो इसका नाम आएगा एके शर्मा, यानी इसका पूरा नाम है अरुण कुमार
शर्मा। अब बच्चों मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपके एग्जाम में आ गया कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक। यदि आपके एग्जाम में आ गया फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो आप बताएंगे कार्ल पी स्वानसन। यदि आपके एग्जाम में ऐसे पूछ लिया कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, तो आप बताएंगे अरुण कुमार शर्मा। अब देखो ये तो हमारा सेल का इंट्रोडक्शन था, अब आता है सेल थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी। यानी कोशिका सिद्धांत, बहुत बार एग्जाम आता है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आज बताएंगे सेल थ्योरी प्रपोज्ड प्रपोज्ड बाय। इसके अंदर दो वैज्ञानिक थे, एक तो मैथियास जैकब स्लाइडन एंड थियोडर सवान। अब इसका मैं नाम लिख रहा हूं, एक तो था मैथियास मैथियास जैकब स्लाइडन और दूसरा बेगिन था थियोडर थियोडोर स्वान। अब देखो तो मैथियास जैकब जो स्लाइडन था ये जर्मन का बोटनिस्ट था। देखो बच्चों ये कौन था, जर्मन बोटेनिस्ट था, और ये जो थियोडोर स्वान था ये ब्रिटिश का जूलॉजिस्ट था। अब आता है कि बोटेनिस्ट कौन होता है, जूलॉजिस्ट कौन होता है, जो प्लांट की जो स्टडी करने वाला है जो बोटेनिस्ट होता है, जो एनिमल की जो स्टडी करने वाला है वो जूलॉजिस्ट होता है। अब देखो सेल थ्योरी के अंदर ये बताया, सेल थ्योरी के अंदर ये बताया गया है कि सेल की जो उत्पत्ति होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। यानी उन्होंने ये बताया कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल थ्योरी के अंदर बताया कि जो कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है ना वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। जैसे देखो ये अमीबा डिवीजन करके दो सेल बना लेता है। जो दो डॉटर सेल बनी ये जो डॉटर सेल बनी यानी ये जो इसकी जो पूर्ववर्ती कोशिका है उसी से उत्पन्न होती है। तो ये सेल थ्योरी यही बता रहा है कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक ऑल ऑर्गेनिज्म, जो कोई भी जो सजीव होता है उनकी जो बॉडी है ना वो कोशिकाओं से बनी हुई होती है। यानी ऑल एनिमल बॉडी ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन बाई सेल यानी कोशिकाओं की बनी होती है। चाहे वो जंतु यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। जैसे यूनिसेलुलर के अंदर मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा है, युगलीना है, पैरामाइसियम है, ब्लूग्रीन एल्गी है, बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे एक कोशिकीय जंतु है। अब देखो एक कोशिका में वो सभी लक्षण पाए जाते हैं जो एक सजीव करता है। यानी ऑल एक्टिविटी मतलब जितनी भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो एक ही कोशिका से संपन्न कर लेता है। उन जंतुओं को
यूनिसेलुलर कहते हैं, जैसे अभी मैंने बताया अमीबा हो सकता है इसमें, पैरामीशियम, युगलिना, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया। अब आता है मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जंतुओं के अंदर प्लांट है और एनिमल है। अब देखो इसी चीज को है ना, सेल थ्योरी को, मॉडर्न सेल थ्योरी के रूप में आता है तो वो रिडोक्स ग्रिचोव आता है, उन्होंने भी यही बताया था कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और यूनिट ऑफ सेल इज फंडामेंटल यूनिट, और सेल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, ये चीजें भी उन्होंने ये बताई। अब अगला जो हमारा इसको जो बिंदु आता है कि देखो सेल में न्यूक्लियस के आधार पर सेल है ना निम्न प्रकार की होती है। जैसे मैं बात करता हूं एन्यूक्लियेट सेल, एन्यूक्लियेट सेल अब देखो नाम से पता चल रहा है ए का मतलब होता है अनुपस्थित यानी एब्सेंट, क्या न्यूक्लियस। अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है वो एन्यूक्लियेट सेल कहलाती है। इसका एग्जांपल, एन्यूक्लियेट सेल का एग्जांपल स्तनधारी मैमेलियन मैच्योर आरबीसी, यानी जो स्तनधारी की परिपक्व आरबीसी होती है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए उसको एन्यूक्लियेट सेल कहते हैं। प्लांट के बारे में यदि हम कहें कि प्लांट में ऐसी कौन सी एन्यूक्लियेट सेल है, ये तो देखो एनिमल में हो गई। अब देखो इसमें भी एक अपवाद है, एक्सेप्ट अपवाद है, कैमल और लामा ये दो जंतु होते हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखेंगे। ये भी पूछ लेते हैं ऐसे कौन से स्तनधारी है जिसकी लाल रक्त कणिका के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं, कैमल और ऊंट के अंदर पाई जाती है, और बाकी जितने भी जो स्तनधारी होते हैं उसकी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब देखो मैं आपको एक और बता रहा हूं, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, सिनोसाइट, अब देखो सिनोसाइट मल्टीपल न्यूक्लियस होता है, यानी वे पादप कोशिकाएं जिनमें दो या दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं उसको सिनोसाइट कहते हैं, यानी वे पादप सेल जिसमें दो या दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं उसको सिनोसाइट कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है एंडोस्प्रम ऑफ कोकोनट, कोकोनट का एंडोस्प्रम, यानी एंडोस्प्रम कोकोनट जेंटोफाइसी भी है और ग्रीन एल्गी भी है, ग्रीन एल्गी के अंदर कारा है यानी ग्रीन एल्गी, यानी इसके अंदर कारा आएगा। जेंथोफाइसी भी है, जेंथोफाइसी भी है। इसी प्रकार एक आती है सिनसियल, अब देखो सिनसियल है ना इसी तरीके से है कि वे जंतु कोशिकाएं जिसमें दो या दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं उसको
सिंसियल बोलते हैं, यानी वही बात हो गई, ये एनिमल सेल हो गए, ये एनिमल सेल हो गई, ये जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल जिसमें दो या दो से अधिक केंद्रक पाया जाता है उसको सिंसियल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एस्केरिस है, और मसल सेल्स है, स्केलेटन सेल्स है आदि। अब आता है सेल के बारे में कि सबसे छोटी सेल, सबसे बड़ी सेल, सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स। स्मॉलेस्ट सेल, ये भी काफी बार एग्जाम में प्रश्न है ना, रिपीट होता है, सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ, तो हम सबसे छोटी कोशिका का नाम बताएंगे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। कभी कभी यह भी आता है कि माइकोप्लाज्मा का साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ माइकोप्लाज्मा। अब देखो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, जैसे है ना, ये नीट में प्रश्न आया था कि माइकोप्लाज्मा का साइंटिफिक नेम, इसका साइंटिफिक नेम है माइकोप्लाज्मा गैलिस्पेक्टिकम, गैलिस्पेक्टिकम। अब इसी प्रकार है ना, यह भी पूछा था कि सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ को भी बोलते हैं, एक ही बात है कि आप माइकोप्लाज्मा को बोल दो या पीपीएलओ को बोल दो, एक ही बात है। पीपीएलओ भी है, सबसे छोटी कोशिका है ये माइकोप्लाज्मा, एक ही बात है। अब देखो बहुत बार एग्जाम में यह भी पूछा है कि फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ। अब देखो पीपीएल का मैं आपको पूरा नाम बता रहा हूं, देखो P का मतलब प्लूरो, दूसरा P है निमोनिया, L का मतलब लाइक ऑर्गेनिज्म। अब देखो पूरा नाम हो गया प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, दैट्स ऑल पीपीएलओ। अब देखो सबसे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल। अब देखो लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में, देखो ये प्रश्न भी आ जाता है कि ह्यूमन बॉडी लॉन्गेस्ट सेल्स, सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो आप बताएंगे न्यूरॉन, क्या बताएंगे न्यूरॉन, यानी तंत्रिका कोशिकाएं। अब देखो न्यूरॉन को डाइस्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। अब देखो न्यूरॉन के अंदर एक विशेषता होती है, इनके अंदर है ना, ये एकमात्र ऐसी कोशिका है जिनके अंदर है ना सेल डिवीजन, सेल डिवीजन एब्सेंट होता है, यानी एकमात्र ये कोशिका है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। अब आप कहेंगे भाई कोशिका विभाजन नहीं होता है तो छोटा बच्चा होता है, तो जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ती है तो इसकी है ना ग्रोथ कैसे होती है यदि सेल डिवीजन नहीं होता है, तो देखो
ये इसकी लगभग है ना, ये 90 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। ये इतना छोटा शिशु से ऐसे जो बढ़ रहा है ना, उसको सेल डिवीजन नहीं कहेंगे, उसको सेल प्रोलिफिकेशन कहेंगे। अब आप कहेंगे भाई सेल प्रोलिफिकेशन क्यों होंगे, क्योंकि सेल डिवीजन के लिए है ना सेंट्रियोल की जरूरत पड़ती है, यानी सेल डिवीजन के अंदर रोल ऑफ सेंट्रियोल की जरूरत पड़ती है। इसके अंदर सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, न्यूरॉन सेल के अंदर सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, इसलिए इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। अब आता है कि लॉन्गेस्ट सेल के बाद में ह्यूमन बॉडी में स्मॉल सेल देखो, ये तो लॉन्गेस्ट थी ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब मैं आपको बता रहा हूं स्मॉलेस्ट के अंदर आएगा स्पर्म। स्पर्म आएगा, इसी प्रकार सबसे बड़ी यानी बिगेस्ट की हम बात करेंगे तो ह्यूमन का एग आएगा। अब ह्यूमन का एग को हम ओवा बोलते हैं, ये। अब इसी प्रकार ना अन्य जंतुओं में सबसे जो बिगेस्ट सेल है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अब इनको पढ़ने के बाद में अब हम अगला जो हमारा बिंदु है कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। अब हमारा जो अगला बिंदु है टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। अब देखो टाइप्स ऑफ सेल ये दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। अब देखो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ऐसी कोशिकाएं जो प्रिमिटिव यानी आदिम प्रकार की हो, यानी पुराने जमाने की हो, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी उसमें आदिम प्रकार का न्यूक्लियस होता है। तो हम इसमें ये ऐसे कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक वह कोशिकाएं होती है जिसमें सुसंगठित केंद्र का अभाव होता है, यानी इसमें है ना वेल डेवलप न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी और इसके अंदर बाउंडेड कोशिकांग भी नहीं पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है कि वह कोशिका जिसमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। ये तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं की डेफिनेशन हो गई, या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दिस इज सेल नॉट बाउंडेड न्यूक्लियस नोन एज प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटों को बताएंगे दिस इज सेल बाउंडेड न्यूक्लियस नोन एज यूकैरियोटिक। वैसे हम पर्टिकुलर सेल को डिफाइन करेंगे तो देखो सेल को हम क्या बताएंगे, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम इसमें थोड़ा सा हम अंतर और पढ़ लेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर क्या है। अब देखो ये तो हमें क्लियर हो गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर है ना वेल डेवलपमेंट न्यूक्लियस क्या होता है एब्सेंट होता है, और इसके अंदर है ना वेल इसमें प्रेजेंट होता है। अब देखो अब इसमें है ना क्या क्या अंतर है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है ना मैं इसका एक छोटा सा एक चार्ट बना देता हूं, उस चार्ट के अंदर
इसका डिफरेंस आ जाएगा। काफी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही रहता है, एक साल एक को छोड़कर कभी कंटिन्यू भी आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो आ जाए ना, मैं बता रहा हूं, इधर तो मैंने लिख दिया प्रोकैरियोटिक, और इधर लिख देता हूं मैं यूकैरियोटिक सेल। अब देखो ये तो हो गया, इधर मैं लिख देता हूं करैक्टर। अब देखो सबसे पहले तो इसका मैं यहां लिख देता हूं साइज। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का साइज बहुत ही छोटा होता है, यानी 0.1 से लेकर के 0.5 माइक्रो मिलीमीटर होता है, और इसका हमेशा है ना नॉर्मली यूकैरियोटिक कोशिका का आकार नॉर्मली 5 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है, लार्ज होता है। तो इसको है ना हम 5 से 100 माइक्रो मिलीमीटर लिख सकते हैं। अब इसके बाद में अब इसके अंदर हम आते हैं कि एक तो इसमें कोशिकांग नहीं होते हैं। अब हम बात करें कि इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल लिखे जो प्रोकैरियोटिक में नहीं आते हैं, तो मैं आपको नॉर्मली है ना ये लिख देता हूं कि इसके अंदर है ना मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करूं, तो इसके अंदर एब्सेंट होता है और इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, और न्यूक्लियस है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट, एंडोप्लाज्मिक एब्सेंट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी एब्सेंट, लाइसोसोम एब्सेंट, न्यूक्लियस एब्सेंट, और ये इसमें सारे के सारे क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होंगे। अब देखो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है क्योंकि इसमें अंदर फाल्स न्यूक्लियस पाया जाता है प्रोकैरियोट के अंदर। अब देखो इसके अंदर में एक हिस्टोन प्रोटीन आती है, हिस्टोन प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर एब्सेंट होती है और ये इसके अंदर यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन है ना क्या होती है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं हिस्टोन प्रोटीन। देखो हिस्टोन प्रोटीन क्या है, क्लस्टर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीनों का गुच्छा होता है, और ये क्या करती है, 5 प्रकार की ये प्रोटीन होती है, ये डीएनए को क्या करती है बांध करके रखती है, लपेट करके रखती है। जैसे डीएनए का आकार ना लेंथ काफी बड़ी होती है, लेकिन उसको ये बांध करके रखने का कार्य हिस्टोन प्रोटीन का है। जैसे आप ना कोई विजिट में जा रहे हो तो बहुत सारे कपड़े हैं, उन कपड़ों को आप ना एक बैग में नहीं पैक करके जा सकते, उसकी पैकेजिंग कर देंगे, उसको फोल्ड कर देंगे तो वो आपके बैग में आ जाएंगे। सेम है ना ये स्टोन प्रोटीन का कार्य डीएनए का पैकेजिंग है, और इसके अंदर है ना ये भी पूछते हैं टिप्पणी आती है, तो ये है ना इसमें 5 प्रकार की प्रोटीन होती है, 1, 2, 3, 4, 5। अब उसका देखो मैं नाम भी लिखूंगा स्टोन प्रोटीन का, ये क्या करती है डीएनए को लपेट करके बांधने का, कस करके टाइट कर देती है, उसको पैकेजिंग में काम आती है। इसमें देखो H1, H2A, H2B, H3 और H4, इन प्रोटीन का जो गुच्छा होता है वो क्या होता है स्टोन प्रोटीन होता है, ये एक न्यूक्लियोसोम मॉडल का निर्माण करते हैं। आज इतना ही, नेक्स्ट